पत्थर हमारा ऊपर से चुड़ित रहा चुड़ित रहा, मुदा हम ये कुरते ही डर नहीं किया ये कहीं तेरा पत्थर लग जाएगा। लेकिन वही पत्थर के हमारा होते चोट का लगा उचित लाल के बाद जते चोट एकर थप्पड़ के हमारा लगा थप्पड़ के लगा मड़ुआ के रोटी खेसारी के दे ओ एतेक प्रभावकारी भेले एतेक प्रभावकारी भेले जे लोग ओकर एतेक पसंद कर लले बाद में अपने के धीरे धीरे मैथिली के और गीत सब जैसे लोग पसंद कर लले। केना के कलाकारिता पेशा समृद्ध भ सके अइ के लेल जैसे सरकार के एठा में एकटा एकेडमी के गठन होबाक चाही, जे एकेडमी गठन होय पर भाषा संस्कृति के लागे। संतुष्ट छी? हाँ संतुष्ट छी, हमरा कलाकार छी, हमरा नि बेसी चाही नि किछ चाही। घर परिवार चलो में कते कठिनाई मतलब घर परिवार चलबे तो बहुत कठिनाई है, वो कठिनाई के की कथा कहो। एखन जे जेना विद्यापति पुरस्कार कोष भेले मैथिली विकास कोष सब भेले ई सब जे पुरस्कार सब अखन वितरण करै छै समय समय पर ओ मूल्यांकन जे भ रहल छै अपने सबके केहन कते उचित बुझा रहल अछि मूल्यांकन? एकदम उचित नहि बुझा रहल अछि। ई पुरस्कार मिथिला मैथिली के लेल नहि, ई मैथिली के बाटक लेल ई पुरस्कार राखल गेल छै। स्वागत है नवसोच.com में। नवसोच.com के प्रस्तुति टॉक विद प्रीति शो में हम सब बहुत रास व्यक्तित्व सब के बजा कर बातचीत कर चुकल छी। ओ विभिन्न क्षेत्र सब के व्यक्ति सब के लाइव कर हम सब बातचीत कैल करै छी। हमरा अहाँ के समाज परिवार या देश मात्र राजनीतिक आर्थिक विकास से सामाजिक विकास से नहीं उठ सकैए, वही के लेल सबसे मेन मानल गेल छै संस्कृति के, जकरा हम अहाँ मेरुदंड सेहो कह सकै छी। लेकिन वह संस्कृति के अखन बहुतो उपेक्षा भ रहल छै। ओहि संस्कृति के जगेरना केना भ सकैए, ओहि कलाकार सब के कलाकारिता केना सम्मानित भ सकैए आ नव कलाकार सब के नव पुस्ता सब के केना ई प्रति आकर्षण भ सकैए, ताहि विषय में आज बातचीत करब। आइ हमरा सब के स्टूडियो में आमंत्रित छथि मिनापक पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कलाकार मदन ठाकुर जी, तऽ आउ हुनका संग बातचीत करै छी। बहुत बहुत स्वागत अछि कार्यक्रम में अपने के। धन्यवाद। की सब भ रहल छै अखन? विशेष करके तो कही तो अखन हमरा सब तो मिथिला नाट्य कला परिषद के काज में लागल छी। अखन संभवतः एक भौकी के लिए अपने के दू तीन साल से तेहन कोनो जे छै ना संस्था अथी संस्थागत कोनो काज तेहन नहीं भ सकलै। कारण भ गेल जे अहाँ के दू बरिस जे छै कोरोना के चलते सारा कार्यक्रम बंद भ गेल। आ एम्हर में जे छै अपन अखन जे छै से मीनाब के एक उद्देश्य रही सब दिन से जे जनकपुर में एक नाटक हॉल बने, वो नाटक हॉल के दिन दिश से हम सब अग्रसर छलिए लागल छलिए जे कहुना एक हॉल तैयारी भ जाए। तो वो लगभग लगभग माता सरस्वती के कृपा से जे छै वो हॉल जे छै अपन तैयारी के अवस्था में पहुँच गेल छै। मात्र किछु दिन छै और जे छै तकर बाद जे छै ओ कार्यक्रम ओहि हॉल में संचालन होबय लगतै। कतेक वर्ष छियै एहि क्षेत्र में? हमरा तऽ अपने के कहबै तऽ 36 या 39 साल से एहि क्षेत्र में लागल छी। आ अपने के मीनाब के हम संस्थापक छी, स्थापना कयल मीनाब के हमरो हमहूँ छी संस्थापक में, एकटा तीन जे छै मीनाब के संस्थापक सदस्य में हम अपने अथी छी। तकर बाद जे छै अपने के 39 साल से हम एहि क्षेत्र में लागल छी। समग्र में अपने 39 वर्ष से क्षेत्र में छियै, केना बुझा रहे बुझायल अखन तक में केहन अनुभव रहल ई कला कलाकारिता से जुड़ कर केहन तीत मीठ अनुभव केहन रहल? आप कहे छी अनुभव तो आप की छै जे ओ जाधे अनुभव लेबे के लेल ओहिमे नहीं पैसबे ओहिमे नहीं जेबे ताधे अनुभव के नहीं होइ छै। तो अनुभव तो हमरा सब के इएह अछि
जे हमरा सब के ओते पीरो नहीं होइए ओते बात के जे छे कोनो खासे मायने नहीं रखे छे, किया कि हमरा सब जहिया शुरुआत के लिए क्षेत्र के तो हमरा सब के उद्देश्य रहे कि एकटा उद्देश्य लगे हम सब अथी के लिए अपन भाषा संस्कृति के जे छे से कोना आगा बढ़ायल जाए, तै पर मीना एकटा स्थापना कयल गेले जकर उद्देश्य रहे जे भाषा संस्कृति के लेल जे छे अपने के नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम साहित्यिक अइ क्षेत्र के लोक जे छे से मीनाप जे छे अपन भाषा संस्कृति के सहयोग करत, तै ल क अइ नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम ई सब ल क जे छे अपन भाषा संस्कृति के केना हमर उत्थान होय ओ उद्देश्य सबसे पहिने हमरा सब तक कतेक सफल भेल महसूस कर सफल त हमरा सब के अपना हिसाब से बहुत भेल छी, हम सब नै भेल से ओ बात नै छे। एकटा समय रहे जे जहिया अपने के जनकपुर में अइ क्षेत्र में मिथिला के क्षेत्र में अपने के जे छे से मैथिली नाम से जे छे लोग कुछ बुझबो नहीं करे मैथिली की है, जे हिंदी के एतेक वर्चस्व रहे अपने के जे मैथिली कोनो गीत ल क चाहे मैथिली के कोनो कार्यक्रम ल क स्टेज पर जनाय जे छे से बहुत दिक्कत रहे, किया कि लोग जे हिंदी के एतेक प्रभाव रहे जे मैथिली के कोई सुन ही नहीं चाहे ओकरा हुटिंग कर दी अपने के ओइ समय के संघर्ष में, लेकिन कहलूं ने जे एकटा उद्देश्य जे होइ छै त ओकरा कहुना के अथी करी तै के लागि जे छै हमरा सब अब ओइ हिंदी के मंच सब कोना हटा के मैथिली के कोना स्थापित करी तै सब के लेल जे छै हमरा सब के अथी अपने के मीनाप के अध्यक्ष जी रहथिन जोगेंद्र शाह नेपाली ओ जे छै अपने के एकटा नाटक के रूप में जे छै खाली मैथिली गीत गावे जाए तै ब्लॉक दर्शक नहीं एकरा अथी स्वीकार करै छै तेकरा केना दर्शक पसंद करे तो ओइ के लगे एकटा नाट छनिका बनी एकटा नाटक नाट छनिका बनी और नाट छनिका में ओ गीत के समावेश क क आ एकटा प्रस्तुति करे गीत नाटक जने हां प्रस्तुत करे जे लोग ओकरा पसंद करे तो वही समय में जे छै अपने के जे भेले जे एकटा कयल जाय त ओकरा तैयारी केलक लेखन गीत सब जे जोगेंद्र शाह नेपाली जे मड़ुआ के रोटी आ खेसारी के दाल ओ गीत जे छै हिंदी पहले त की होय छलै जे हिंदी नाटक भ रहल है आ बीच में ब्रेक क के एगो डांस द देलक त तहिना बीच बीच के ब्रेक में जे छै अहाँ के कोनो हिंदीये नाटक चल रहल छै आ वही के ब्रेक के बीच में जे छै एकरा जे छै ओकरा घुसा देल तो ओ मड़ुआ के रोटी खेसारी के दाल तो पहले जोगेंद्र शाह नेपाली या हम जे छै दुनू गोटे मिल के करी आ तेकर बाद जे छै हमर रामनारायण जी से वो मीनाप में प्रवेश कला तो तेकर बाद मड़ुआ के रोटी खेसारी के दाल जे छै हम आ रामनारायण जे छै ओकरा प्रस्तुति करय लगले मंच पर ओ एतेक प्रभावकारी भेले जे लोग ओकरा एतेक पसंद कर रहल अइ बाद में अपने के धीरे धीरे मैथिली के और गीत सब जैसे लोग पसंद कर रहल अइ तर पहले की तुलना में अपने के हिसाब से जे कला स्थापित भेल छै संस्कृति स्थापित भेल छै लेकिन कलाकार सब को तो स्थापित नहीं हो सकल छै केना बुझाइए कलाकार तो स्थापित नहीं भेल छै कलाकार स्थापित रही लेकिन नहीं भेल जे सरकार कोनो जे छै कला इस पर ध्यान नहीं देलकै भाषा संस्कृतियों अइ देश के लागे एक महत्वपूर्ण चीज छै अइ के लेल जे छै सरकार ध्यान नै देलकै तै कलाकार जे छै एते पाछा पड़ल छै सरकार के उदासीनता के एकदम लेकिन कलाकार तो गेल त बहुत संस्था सब छै ने जे हमरा के कलाकार के संरक्षण संवर्धन द सके जेना प्रज्ञा प्रतिष्ठान सब भेलै बहुत रास मिथिला मैथिली के लेल काज करय वाला संस्था सब छै तो उ संस्था सब से केहन अपने सब के कोऑर्डिनेशन केहन सहयोग सब भेटै जालिए ओकरा की कहल जाए देखिए वैसा हम भौकी गेले जे किस जे छै न है से भावना सब श्रद्धा सब जे छै भाषा संस्कृति के काज कर रहल है आ किस जे संस्था भर जे खुललै है ने जे अब व्यक्तिगत विकास के लागि ओ संस्था खुल रहल है ओकर व्यक्तिगत विकास के लागि चलाय रहल छै तै जे छै एमर जे ध्यान नै द रहल छै कलाकार सब हमर विचार मतलब कतौ ने कतौ जे व्यक्तिगत विकास के लेल सांस्कृतिक संस्था सब खुजल छै मिथिला मैथिली के एकटा बोली में सीमित राखे चाहे छै लेकिन कला के आ कलाकार के कोनो फायदा अखन धरि नहि भेल अब फायदा देखियो ना कलाकार के की छै अखन अहाँ के अनेरे के कलाकार जन्म रहल छै
जै कलाकार के कला से बुझू जे कोनो अथी कोनो खासी अथी मतलब नहीं छे। अगर वो कलाकार के कहियो जे चलू अहाँ मंच पर एकटा कार्यक्रम से करू तो पाई कते दे एक देखियो ये सबसे बड़का विडम्बना से हो छे। जे कलाकार के अहाँ कोनो मंच पर खार कर दियो तो ओकरा अबे छे किछु नहीं लेकिन पाई के डिमांड से कर। हम रोकब अपने के पैसा के बात के लिए अपने सब जे समय में अपने सब कलाकारिता शुरू के लिए ते समय में पारिश्रमिक के केहन प्रश्न छलै केना अपने सब के भेटी छलै केना के एस्टैब्लिश भेल छै ततकला अपने सब किछ नै भेल पैसा के तो कोनो बात ही नै रहै। हमरा सब अपना घर से खा कऽ आ पहले तो मंच कतो नहीं रहे अपने के जनपुर में कतो मंच नहीं रहे तो हम सब अपने सब चौकी ला ला कर ओकरा घर से चौकी ओकरा घर से चौकी एम्हर से चौकी ला कर मंच बनाबी आ अपन ऊपर नाटक करी तो पैसा के तो समय में कोनो बाते नहीं रहे के पाई देते आ कत से पाई अतः कोनो पाई के मतलब अपना लगानी से जे जते भ सकते से करी से उद्देश्य रहे सब में। अहाँ सब तो भाषा संस्कृति के समृद्ध करे में अपन 39 वर्ष दे दिलिये लेकिन तैयो भी अखन जे एकटा मैथिली में अश्लीलता चल रहल छे जना अपने कहलिए जे नया कलाकार सब जन्म ल रहल छे वो सब पैसा संगे एकटा केना मतलब जे मैथिली के लगे अश्लील गीत सब सेहो निकल रहल छे मार्केट में ताहि के कारण से मैथिली कतौ न कतौ धराप में पड़ रहल छे नहीं बुझाइए एकदम पड़ रहल छे। जहिना एक समय भोजपुरी के छलिए जे भोजपुरी एतेक सुंदर साहित्यिक बहुत निक छलिए लोग के दृष्टि होइ छलै जे नै बहुत सुंदर चीज तहिना जहिना भोजपुरी के नाश कर दिलके अपने के फोहर गीत सब लाइव लाइव के लाइव लाइव कर तहिना मैथिलियो में कहनो नै तऽ ऐसे एकरा सब के की छै जे फोहर गीत के अखन जे चाल गबैया चलबैया ओकरा सब के भाषा संस्कृति में हमर कोन नीक चीज होय नहीं होय तेकर कोनो ध्याने नहीं छै कि ई गीत हम गाते ओ से हमरा कते पैसा आय बस एकरा सब के उद्देश्य से व्यक्तिगत हम ऐसा कते लाभ अपने आप के लो सकी ओय के लेल मात्र जैसे सब काज करे नहीं तो मैथिली में गीत नहीं छे नीक से नीक गीत छे आ नीक से नीक गीत भ रहल छे। आइ धर मीना के जते प्रस्तुति होय छे सुनील मल्लिक गायक छे कतुक से एकटा फोहर गीत मीना के मन से जायत होय तो एकेटा बात छे जे भाषा संस्कृति के सबल संस्कृति के लेल जे मीना से नहीं जाय छे तर मीना के किछ कलाकार सब बाहर जाकर करी छथिन। हां ता आप में की छे जे मीना के बाहर जाकर जे कलाकार करे छे सही में पूछबे वास्तव में पूछबे तो मीना के सदस्य नहीं छे अखन आप वो होई छे कि जब मीना के कोनो कार्यक्रम मंच पर भेल तो तई में जे छे ओकरा बजा कर लोगे ओ गेल तो वो सब जते गेल से सब पाई पर के नाम तो जुड़ जाय छे ने। हां आप नाम देखियो अब छै कि आ मीना बड़का मंच छे आ सब के इच्छा हो जी जी मंच हमरो भेट तो ओय मंच पर जे छै अहाँ के मीना पर लो जाय छै ओकरा मंच दै छै लेकिन ओय मंच से उतरला के बाद बाद में दुरुपयोग करै छै ओय बात के तो ओ कनी दुख होय छै ओय समय में एकरा निक चीज बना बचा लिया एकरा सब जे छै नै बना सकै अखन एकटा आरो छै जेना कि एठम बहुते मीना लगाय के अनि बहुतो संस्था सब छै जे अखन के जे नया कलाकार सब जे फिर निको काज करे चाहि रहल छै जे निक जका उभर चाहि रहल छै ओकरा सब के ओय तरह के सहयोग सपोर्ट नै भेटै छै कलाकार सब हम तो कहनु रे जे अखन तक जे या चले चाहि रहल छै मैथिली के दुर्भाग्य एकरा कही मैथिली भाषा संस्कृति के दुर्भाग्य कही जे लोग ओय हृदय से एकरा जे छै सपोर्ट नै कर रहल छै एकरा जे छै केना निक होतै के सहयोग कर दी किछ कर दी अय प्रति कोनो ध्यान ही नहीं रहै छै नहीं तो करोड़ के करोड़ बजट जे छै फ्रिज भ क चल जाय छै कथी लेल चल जाय छै अय लेल चल जाय छै जे जे काज करे लागल ओ दोसर ओकरा रोकलक दोसर अय लेल रोक देलक जे ओकरा कमीशन नहीं भेटल कमीशन नहीं भेटल तऽ काज रोक देलक लेकिन हरेक क्षेत्र में जे छै अहाँ के बजट छुटियाल जाय छै लेकिन अपन भाषा संस्कृति के लागी किछ बजट छुटिया कर राख देल जाय ओ कहियो वो चीज के जे छै एठाम कोनो सरकार के चाहे एठाम कोनो पालिका के प्रदेश प्रमुख सब इस पर एकरा सब कोनो मतलब ही नहीं ऐसे देना चाहिए ये सब भाषा संस्कृति कोनो चीजे नहीं छै तै हिसाब से देखला के कारण जे छै ई सब केना कर समृद्ध कयल जा सकैय कलाकारिता के जेना कि हमरा अहाँ के मैथिली में कहबे खास कऽ कऽ अहाँ सब बहुत रास नाटक केने हम विषय में बातचीत करब नाटक में मात्र कलाकारी के अभाव नहीं छै
एहिठमन लेखक के अभाव छै, निर्देशक के अभाव छै, ओहि स्रोत साधन के अभाव छै, तऽ केना कऽ कऽ कलाकारिता पेशा समृद्ध भऽ सकैए? एहि के लेल जे छै सरकार के एहिठाम एकटा एकेडमी के गठन होबाक चाही। जे एकेडमी गठन होय अपन भाषा संस्कृति के लागि, बहुत भारत में जे कि तऽ महाराष्ट्र में जे छै अपन एकेडमी छै, अपने के पंजाब में अपन एकेडमी, हरेक अपन अपन एकेडमी के छै। तहिना अहूठाम सरकार के चाही जे एकठाम अपन भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए एकटा एकेडमी हो, और वही एकेडमी में हरेक प्रकार के प्रशिक्षण के व्यवस्था हो, ओहिमे कलाकार के रोजगार भेटे, आ कलाकार के केना उन्नति होते, कलाकार केना आगा बढ़ते, इस सोच के काज सरकार के छले। एखनो तो चलचित्र विकास बोर्ड गठन भेल छै, लेकिन काज तो नहीं भ रहल छै, हिसाब के बजटो बहुत छै, फिल्म सिटी बने के बात सब छले, तो ओहि तरह के काज नहीं भ रहल छै बजट भेला के बादो। अच्छा, ओकरा तऽ गठन के बात कहबे तऽ अभी तक साल दो साल के गठने भेलै, ओकरा ओहिमे अगाड़ी में कते काज करैए नहीं करैए, लेकिन अखन ओकरा की कहल जा सकैए? कलाकारिता पेशा बहुत मार्मिक पेशा छै, बहुत दुख कष्ट से एहिठाम धरि पहुँचल छियै। एखन कलाकार कलाकारिता के देखे वाला नजरिया सेहो खराब छै, नहि केओ चाहै छै जे हमर धियापुता एहि क्षेत्र में जाए, लेकिन अपने अपन बेटा के सेहो एहि क्षेत्र में अनलिए, ओ सेहो एकटा कुशल नृत्य निर्देशक छथिन, जनसेवा पुरस्कार से सम्मानित भेल छथिन, हुनको एकटा अहाँ स्थापित कऽ देलिए एहि क्षेत्र में, की मन में आयल, कथी लए अनलिए एहि क्षेत्र में, कतेक संतुष्ट छी अहाँ हिनकर? संतुष्ट एहि क्षेत्र मे लाभ के कारण रही, हमरा सब कहू रे जे कलाकार एकटा कलाकार छी, दोसर मे भावुक, जे भावुक नहीं हुई से कलाकारों नहीं भऽ सकैए, एकदम निश्चित छै। तऽ कहलहुँ ने जे चीज के लेल हमरा सब भाषा संस्कृति के लेल लगलिए, मे लागल नहीं, ओ हृदय आत्मा से लागल नहीं, हमहूँ नहीं सोचलिए जे हमर बेटा इंजीनियर डॉक्टर पढ़त अथी करत, लेकिन एहि क्षेत्र में हमरा कनी और सहयोग पूरे, तै के लेल जे छै अहाँके हम अपना बेटा के सेहो ओहि क्षेत्र मे लगेलियै, जे कम से कम हाथ पूरे एकटा होइ छै ने, तऽ तै हिसाब से जे क्षेत्र मे इहो किछु करे, तै के लागि जे छै एहिमे एहि क्षेत्र मे लगेलियै हुनका, हमरा लड़का के। संतुष्ट छी? हाँ संतुष्ट छी, हमरा कलाकार छी, हमरा नहीं बेसी चाही नहीं किसी चाही। घर परिवार चलो में कते कठिनाई, मतलब घर परिवार चलबे तो बहुत कठिनाई, वो कठिनाई के की कथा कहो, नाटक करे जाए, नाटक करके आवे तो बाप के हटा घर से, बिगाड़ सार के मार सार के घर से बिलगा, घर के देखते नहीं, नाटक 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 करते, तो बहुत रास है वो समस्या सब तो छै है, जे समस्या वो अखन तक अपने नेपाली फिल्म सब में से हो बहुत मार्मिक रोल सब के नहीं छे, सबसे नीक कौन फिल्म में काज करे में लागल अखन तक में? नेपाली फिल्म में काज करे में सबसे हमरा नीक लागल, मना कईटा छै, सीमाना में कह दे रहिए अपने के, तकरा बाद अवतार में सेहो कैली, सीता में सेहो कैले रही, लेकिन हमर हिसाब से नेपालियो फिल्म में उस समय में जे छै हमरा सबसे सुंदर रोल जे छै अपने के हमरा सीमाना में ओहिमे भेटल रहे, आ एकर बाद अखन जे एकटा नया नेपाली फिल्म फाटे को जूता जे छल आयल, ओहू में एकटा रोल भेटल, ओहि दुनू फिल्म के रोल से हम काफी संतुष्ट छी। दुनू फिल्म में से कोनो एकटा फिल्म के डायलॉग जे अखनो याद अछि, एकटा डायलॉग सुनना चाहबै हम सब? ओना अभी अपने करुण रस के लेल विशेष प्रख्यात छियै, तऽ हम सब एकटा डायलॉग सुनना चाहि रहल छी। अब सीमाना फिल्म तऽ कनी बेसी दिन के भ गेल छै, तै लग जे छै एकटा ओना हम अपने के मैथिलियो फिल्म सब जे छै कैटा कयने छी, मैथिलियो फिल्म कम से कम दू दर्जन जते सब तो ओहो कयने हैं, नाटको सब बहुत कयने छी, नाटको बहुत कयने छी, तो अपने के फिल्म के डायलॉग सब जे छै अपने के अब से वाला के तो बहुत दिन भ गेलै, तो उसे एकटा जे छै हम अथी सुना दै छी अपने के, दादाजी संभाल के हम बाप के रोल कयने छी, ओ समय में अपने के एकटा जमींदार के ओहिठाम रहै छै, कर अथी कर्ज लेले ओहिठाम बेटा के चल गेल रहै छै, ओहि समय माओवादी के समय रहै छै, ओहिमे चल गेल रहै छै, तो ओहि में एकटा जमींदार लग जे छै अपन अथी कह जाइ छै जे हमरा बेटा के खोज के ला दो, तो ओहि में
डायलॉग एकटा कहै छै, सरकार मुगलान काटे रे गए को छोड़ा सपनी में पनी आउलो छोड़ी, सरकार मेरो छोड़ कहाँ छ, कृपा करू सरकार मेरो छोरो लाई बुलाई दिनु, सरकार मेरो छोरो लाई बुलाई दिनु। ई सिमला के डायलॉग छल एकदा बहुत पहले के छल, तकर बाद अका नाटक से नाटको सब में बहुत बहुत भावुक सीन सब बहुत बहुत चीज सब बनी नाटक के एकटा हम सेहो नाटक वाले महेंद्र मलैया सर के लिखल नाटक रहे ओरिजिनल काम, ओहिमे कंपनी के रोल एकटा रहै छै जाहिमे हम कंपनी के रोल केने रही, तो ओहिमे की होइ छै जे बेटा जे छै बाप अथी कोनो बात लगे जे छै झगड़ा भऽ जाइ छै बाप बेटा, तो बेटा जे छै बाप पर हाथ चला दै छै, हाथ चला दे दै छै, तो बाप अइ वियोग सँ जे हमरा बेटा मारि देलक अथी कयलक घर, बाप घर छोड़ि कऽ चलि जाइ छै आ ओ बाबाजी बनि जाइ छै, जेना अपना सबके गाम घरमे जे होइ छै ओ बाबाजी बनि जाइ छै, बाबाजी बनलाके बाद जे छै किछु दिनके बाद जे छै ओ अबै छै, ताली जे बेटा ओकरा जे मारले रहै छै ओ बेटा बाप के शोक में ओहो जे छै अहाँके से एकदम बीमार जका रहै छै, पत्नी कहै छै घरवाली कहै छै जे ओ चितवा के नहि देखतै, तऽ कहतै जे हम की देखिए, तऽ एकर बेटा है, एकर बेटा नहि है, तो कहै छै कंपनी ओ चितलाल के माय तोरा एगो बात के ख्याल है, एक बेरी बड़ बीमार पड़ गया था है, हम एक लगा बैठकी पर गया घूरती काल बहुत जोर पत्थर पकड़ लिया, हम एक आड़ी कात में राख कर आ ऊपर से झाँप लिया, पत्थर हमारा ऊपर से चूड़ित रहा मुदा हम एक ही डर नहीं किया जे कहीं एकरा पत्थर लग जाएगा, लेकिन वही पत्थर के हमरा ओते चोट का लगा चितलाल के पर जते चोट एकर थप्पड़ के हमरा लगा थप्पड़ के लगा, सब एक जीवंत नाटक करै छी जे वास्तविक बुझाइत रहै छै, और अखनो अखन के जे कलाकार सब छै ओकरा समय ई चीज सब एनाय जरूरी छै। हम सब कार्यक्रम के अखन अंत में आबे लागल छी, अपने सब बस ट्रैक्टर एक दूटा बात पूछ ली हम, अखन जे जेना विद्यापति पुरस्कार कोष भेलै मैथिली विकास कोष सब भेलै ई सब जे पुरस्कार सब अखन वितरण करै छै समय समय पर, तो एकर सबके जे मूल्यांकन करै के जे एकटा तरीका हेतै अपन एकदम उचित नहीं बुझा रहल है, आई भने ई प्रश्न हमरा ला राखि देलो अपने के एकदम उचित नहीं बुझा रहल छे, ई पुरस्कार मिथिला मैथिली के लेल नहीं, ई मैथिली के बाँट के लेल ई पुरस्कार राखल गेल छे, मैथिली से लोग के घृणा हो, मैथिली से लोग के मन में दोसर टाइप के बात आवे, नहीं तो ई सब ई राखले गेल है जे पार्टी के लोग के हरेक जते अपने के विद्यापति पुरस्कार कोष हो चाहे मैथिली विकास कोष हो, ई सब राखले गेल छै एहि लके जे अपन जे पार्टी के लोग छै, आब कैटा पार्टी के जे छै आब पार्टी के नाम कथी जे पार्टी के लोग छै तकरा पुरस्कार दियो, अयो वाह होइ छै
जो पार्टी के लोग से ओकरा पुरस्कार देल जाए छे, चाहे ओकर लगानी छै कि नहीं छै, की छै नहीं छै, कुछ नहीं छै, लेकिन ओकरा देल जाए छे। मतलब कलो संस्कृति में एकदम भातृ संघ एकदम एकदम छै। त ई सब जे छै अपने के खोल कर एकटा त की छै जे सही से लागल कलाकार के मन में अइ प्रति जे सेहो कनी ई सब जे छै ने से घृणा पैदा कर रहल छै, स्वाभाविक छै ने। अब 40-40 वर्ष के लगानी बहुत दुख के साथ कह पड़ रहा है बात के, जब राम नारायण ठाकुर संसद लोग सब, मदन ठाकुर संसद लोग सब, सुनील मल्लिक, सुनील मिश्र संसद लोग सब अखन धरि अपने के विद्यापति पुरस्कार नहीं पा सकल है। ये 40-40 वर्ष के लगानी करे वाला लोग आ नहीं करे वाला सब पुरस्कार पा रहा है। तो एक बार आवाज क्या उठवी छी? आवाज आप आवाज आई गई आवाज उठवे ला तो उठवे करे छे, ने बुझले आवाज नहीं उठे छे से बात नहीं छे, लोग कहे छे बात के, लेकिन ए बात के वो सब कते मायने में रखे छे, कते बात के ले छे से तो वो वा सब जाने। अखन जते नव नव पुस्ता सब छे अपने सब के आगु में जे सब कलाकारिता करे चाहे रहल छे, की कह चाहबे अपना दिस हुनका सब? हम सब बेर वो गायब नव तुरिया कलाकार से के एकेटा बात कह चाहे छी, जे देखियो जै क्षेत्र में जो लोग लगे छे तो वो क्षेत्र में पहले परिश्रम करे पड़े छे। मान लिया कोई डॉक्टरे बनी छे तो सीधे डॉक्टर नहीं बन जाए छे, ओके लेल पढ़े पड़े छे, प्रैक्टिस करे पड़े छे, प्रैक्टिकल रहे छे, सब करे छे, तकर बाद जाके डॉक्टर बने छे। तो कलाकारितो जे छे अहाँके एकटा वही सब कम नहीं छे, वही सब कम नहीं छे, इहो चीज जे छे ओहिने छे जे साधना छे, अहाँ साधना पहले करियो, एकरा बुझियो, एकर किताब पढ़ियो, एकरा ट्रेनिंग लियो, एकटा हरेक नाटक के संबंध में बात बुझियो, तकर बाद जे छै अहाँ बात बुझबै, तकर बाद जे छै अहाँ ओ कलाकारिता के जगह पर पहुँचबै। ओहिठाम से बात नहीं छै, लोग सीधे आयल कैलक अब बुझ गेल जे हम कलाकार भऽ गेलै, एकटा दूटा मंच पकड़ लेलक बुझ गेल कलाकार भऽ गेलै, ऐसे नहीं होइ छै। हम इएह कहबै जे एकरा सीखू, अब नया कलाकार कहतै कि सीखऽ के जगह नहीं भेटैए, सीखऽ के जगह नहीं छै, तो स्वाभाविक छै जगह नहीं छै। ताहि लऽ कऽ ई सरकार के एकटा एकेडमी के जे छै अपने के एकदम जल्द से जल्द गठन होबे के चाही, एहिठाम प्रशिक्षण शिक्षण जते छै नाटक संबंधी कला संबंधी ओ सब सरकार के व्यवस्था करे जे नवतुरिया कलाकार सब ओ सीख कऽ आगा बढ़े। जी जरूर भ सकैए, लेकिन ओहिमे एकटा अग्रणी भूमिका अपनो सबके खेलय पड़त। अपने सब आगा बढ़बै, नेतृत्व करबै, तऽ अहाँ सबके पास एहन बहुतो कलाकार सब छथिन जिनका अपन अधिकार चाहै छै। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रममे समय देलहुँ ताहिके लेल। अपनोके बहुत बहुत धन्यवाद। बेस तऽ आजुक कार्यक्रम में हम सब बातचीत केलहुँ बहु प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व मीनापक पूर्व अध्यक्ष एवं कलाकार मदन ठाकुर जी सन। आशा अछि अपने सबके बातचीत नीक लागत। जतः हम अहाँ राज्य द्वारा हमरा अहाँके कलाकारिता लोक कला संस्कृति उपेक्षित भ रहल अछि, जाहिठाम एहन धुरंधर कलाकार सब आई मूल्यांकन में नहि पड़ि रहल छथिन, एहिसँ बड़का दुर्भाग्य हमरा अहाँ लेल किछु नहि भऽ सकैए। फेरसँ दोसर कार्यक्रम में नव अतिथि के संग उपस्थित भेटा करब। ता धरि के लेल टॉक विथ प्रीति शो सँ कैमरामैन पारस के संग हम प्रीति झा के जेबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार, धन्यवाद।